ठीक है। डायन्सेफेलोन में अगेन थ्री पार्ट्स, हमने बहुत बार इसको रिपीट किया है, इपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, रूफ ऑफ डायन्सेफेलोन इपिथैलेमस, मिडल पार्ट कॉल्ड एज अ थैलेमस एंड फ्लोर कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस। चलिए ईच पार्ट का फंक्शन देख लेते हैं। कॉमनली इपिथैलेमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू कैरी, इसमें एक स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ पीनियल ग्लैंड। 10th की बुक में होप्स हो ये आपने वर्ड सुना होगा, पीनियल बॉडी और पीनियल ग्लैंड और पीनियल बॉडी लोकेटेड इन इपिथैलेमस, लोकेटेड इन इपिथैलेमस। तो पीनियल ग्लैंड एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल सिक्रीट कर रही है, दे सिक्रीट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल दैट इज सीरोटोनिन। सीरोटोनिन इज अ प्रीकर्सर ऑफ स्पेसिफिक मेलाटोनिन का, ये क्या है, मेलाटोनिन का प्रीकर्सर है, मेलानिन का नहीं, मेलाटोनिन का प्रीकर्सर है, ये प्रीकर्सर ऑफ मेलाटोनिन। ठीक है, मेलानिन का फंक्शन क्या है, हमारे स्किन को कलर क्रिएट करना। ठीक है, मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो स्किन कलर डार्क, मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन कम स्किन कलर फेयर। ओके, तो मेलाटोनिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू इन्फ्लुएंस सेक्सुअल एक्साइटमेंट स्लीप एंड अवेक। ओके, इपिथैलेमस फ्लोर पीनियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, टू पीनियल ग्लैंड्स केमिकल सिक्रीट करता है सीरोटोनिन, एक्ट एज अ प्रीकर्सर ऑफ मेलाटोनिन, मेलाटोनिन का फंक्शन है सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड स्लीप एंड अवेक का सिग्नल क्रिएट करना, कब सोना है कब जगना है एक्सेट्रा। ठीक है, थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर, ये कल मैंने आपको बताया था, इट एक्ट एज अ रिले सेंटर। It act as a relay center of brain. ठीक है, and hypothalamus act as a master gland. अब तक आप सोचते होंगे कि master gland कौन सी है, pituitary gland। क्यों, क्योंकि pituitary gland में बहुत सारे अलग अलग hormones secrete किए जाते हैं, for example अलग anterior में posterior में बहुत सारे, but पिट्यूटरी ग्लैंड ये मास्टर ग्लैंड नहीं है, मास्टर ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस, बिकॉज हाइपोथैलेमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू रेगुलेटिंग हार्मोन से सिक्रेट कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो भी हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उन हार्मोन्स को रेगुलेट करने वाला जो भी सेंटर है, जो भी ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, बिलो द हाइपोथैलेमस। सपोज ये हाइपोथैलेमस है और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है, ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो भी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रेट किए जा रहे हैं वो हार्मोन सिक्रेशन किसके थ्रू रेगुलेट किए जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू सिक्रेट द रेगुलेटिंग हार्मोन, टू सिक्रेट रेगुलेटिंग हार्मोन, रेगुलेटिंग हार्मोन्स मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है इस तरह से, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इट एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर
रेगुलेटर। नेक्स्ट इट रेगुलेट बिहेवियर, इट रेगुलेट बिहेवियर। इट रेगुलेट एंडोक्राइन कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल कर रहा है, कब हार्मोन्स को ज़्यादा सिक्रीशन करना है कब नहीं करना है, इसके लिए ये एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, रेगुलेटिंग हार्मोन्स के सिक्रीशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू रेगुलेट हंगर, थर्स्ट, प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, भूख लगना, प्यास लगना, इस तरह से जो भी हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं इनको ये रेगुलेट कर रहा है। प्लस हाइपोथैलेमस आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल एक्साइटेशन, एक्चुअली उसमें काम कर रहा है अगेन इपीथैलेमस, इपीथैलेमस के साथ साथ हाइपोथैलेमस भी सेक्सुअल एक्साइटेशन में उसे हेल्प कर रहा है। इट रेगुलेट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, रेगुलेट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ओके। तो हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड है, रेगुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ये इसके मेन फंक्शंस हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन के फंक्शन अगर पूछे जा रहे हैं तो ये सभी फंक्शंस होंगे डायनसेफेलॉन के, ठीक है ओके। तो रिले सेंटर मतलब टच, टेम्परेचर, प्रेशर सभी को ये कंट्रोल कर रहा है, रिले सेंटर मतलब सेंट्रल लोकेशन पर, इट एक्ट एज अ रिले सेंटर। थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर, इपीथैलेमस में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, पिनियल ग्लैंड, ये केमिकल सिक्रीट कर रहा है मेलाटोनिन, बट उसका प्रिकर्सर कौन सा है, प्रिकर्सर मतलब यस पहला, मतलब सपोज ये सिंपल कंपाउंड है और इसके थ्रू मेलाटोनिन तैयार हो रहा है, मतलब इसको आप एक सबस्ट्रेट बोल सकते हो, मेन कंटेंट रॉ मटेरियल जो कि मेन केमिकल सिक्रीट कर रहा है प्रिकर्सर, ठीक है ओके। तो दिस इज अबाउट द डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन में कैविटी प्रेजेंट है, मतलब वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन, दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन, ये हम इन डिटेल देखेंगे अगेन कौन कौन से वेंट्रिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन।